यहाँ पन्ना जला तीन चीज में आगर और पथरा पानी लावर। तो ये हम लोग बुद्धिमान है नहीं है, क्योंकि ये पवई बिछड़ा हुआ क्षेत्र का टुकड़ा है, घूम करके 42 गांव का गढ़ बना है। परेशान की इतनी मुसीबत में डूबे हैं कि जो समझ लो कि नरक की तरह है। और जो भी यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष हैं उनको भी किसी से मतलब नहीं, चाहे आग लग जाए चाहे पानी बरसे, हमको तो टेम नहीं है भैया बात करने का। अरे भैया यहाँ नाली खराब बह रही है, इसको सुधरवा दो। अरे सुधर जाएगी, इसमें है क्या है। एक अधिकारी आया छतरपुर से, हमने कहा साहब यार बहुत परेशानी है। अरे कहे कि परेशानी की कोई बात नहीं, और परेशानी के ऊपर कोई परेशानी हो तो बोलो। हमने कहा यार ऐसी कौन सी परेशानी होती है। तो मैं भी तो, मैंने कहा साहब यहाँ रास्ता खराब है, इसको बनवा दो। कहे मैं भी तो छतरपुर का हूँ, तो मैंने कहा छतरपुर का हूँ तो इसका मतलब ये रास्ता नहीं बनेगी। अरे बन जाएगी, कभी ना कभी बन जाएगी, लेकिन आज नहीं बनेगी। ये यहाँ का बिजनेस इतने सालों से चल रहा है कि मैं खुद बढ़ारा गया हूँ। मैं 13 साल से देखते देखते यहाँ की रामलीला, मैं खुद बाबा बनने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब और उपाय नहीं है बाबा बनकर के अभी जिंदगी भजन के रूप में के गाते बजाते। तो राम राम जपते रहो धरे रहो मन धीर, ओ कारज बेल सुधार है कृपा सिंधे रघुवीर। तो मालिक के ऊपर हम लोग जी रहे हैं, बाकी तो जो जितने नेता बन रहे हैं हाँ वो किसको खाऊं, वो किसको क्या बताऊं। ए नेता जी हमारी पवई में इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है, अरे मुझको टाइम नहीं है। भोपाल में पड़े हैं, कोई ग्वालियर में पड़े हैं, कोई भिंड में, कोई मुरैना में, कोई आगरा में, ना जाने क्या कर रहे, सर्विस यहाँ कर रहे। हम रात के अगर लड़ गए भैया भैया तो समझौता नहीं होगा, पांच तुम दो पांच हम, दो ही भैया लुट जाएंगे सकारें चले जाएंगे घर। तो यहाँ की विधानसभा और यहाँ की लीला देख करके इतना पागल हो गया हूँ कि पागला ही हूँ। अब क्या हूँ, सही थोड़ी नहीं हूँ। क्यों राम जी सही बात है, कोई गलत बोला नहीं। आप बोल रहे सही बोल रहा है, गलत बहुत बोल रहा है, वो हर टीवी चल रही है, सत्य है। सत्य पे यहाँ असत्य ज्यादा छा गया है, और सत्य है, अगर सत्य ना होते तो विनाश ही हो जाता। पन्ना जिला में पवई सबसे गिरी भाई आबाई।